अभी मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे बीच रोड पे, देख सकते हो आप। अभी उनको 22 किलोमीटर वो लोग आगे चले गए हैं, चलना होगा उनको पकड़ने के लिए। अब हुआ यूँ है कि आधे लोग आगे निकल गए हैं, आधे पीछे हैं मेरे, तो सब गड़बड़ हो गया है। आपने देखा होगा पीछे जो टर्न गया वहीं पे सब गड़बड़ हो गई। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे वालों के साथ हो जाऊँ ताकि मैं उनको रोक के फिर पीछे वालों का वेट करूँ। तो इसीलिए थोड़ा फास्ट चलाना पड़ेगा, तो ज़्यादा आगे ना निकल जाएँ। वैसे उनको बोला है कि वेट करें, पर देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या मस्त नज़ारा है, खाली सड़क, खुला आसमान और सामने पहाड़। ऐसी जगह पर बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता है। बाय द वे, आगे वालों से बात हुई है, वो करीबन 20 किलोमीटर आगे निकल गए हैं और उन्होंने गलती से दूसरा रास्ता लिया। तो उनको मैंने बोला कि तुम लोग डायरेक्ट ही मुरुड जंजीरा फोर्ट पहुँचो तो हम वहीं मिलेंगे। और ये हमारी अपाची हवाओं को चीरते हुए आगे जा रही है, चीरते हुए। ओहो, क्या सही लोकेशन है, देखिए। कोई तो नदी है, ये ओल्ड ब्रिज है काफी। तो लगता है घाट स्टार्ट होने वाला है, हो ही गया है लगभग। तो अब थोड़े अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे, सुंदर सुंदर पहाड़, हरियाली। ये देखिए कितना अच्छा दृश्य है, एकदम मस्त पहाड़ दिख रहे हैं ऊपर से। पहाड़ों में बाइक चलाने का ये फ़ायदा है, अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलता है और मेन कॉर्नरिंग में जो मज़ा आता है, वाह 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 वाह। ये देखिए, इन सब नज़ारों को देख के ना पूरी थकान निकल जाती है। हम थोड़ा लेट हो गए, सोचिए सुबह सुबह क्या मस्त और सुंदर लगता। अभी भी अच्छा लग रहा है, सुंदर तो और सुबह सुबह और सुंदर लगता। तो अभी घाट हो गया है ख़त्म। इन नज़ारों के चक्कर में मैं तो भूल ही गया था कि मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग हैं राइड साथ में। तो अभी मैंने तो फटाफट चला के आ गया मैं घाट से, तो प्रदीप और प्रभाकर पीछे ही रह गए मुझे लगता है। तो काम करता हूँ, मैं रुकता हूँ आगे कहीं पे अच्छी सी जगह देखकर। और भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है आगे, तो थोड़ा ब्रेक लेता हूँ कि वो आ जाए साथ में, वरना मालूम पड़ा वो भी अलग हो गए और मैं अकेला ही राइड कर रहा हूँ। यूज करता हूँ, तो अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। पता नहीं सब बिछड़ गए, इतनी तरफ इधर हो गए, आधे यहाँ आधे वहाँ आधे पता नहीं कहाँ। मेरे साथ अभी है प्रदीप और पांडे, आशीष पांडे। आशीष को मैंने लगाया काम पे, वो गया पानी मांगने किसी से, वो देखो पानी लेके आ रहा है आशीष भाई। हाँ, ये नहीं है लेकिन फिर भी गांव में लोग आपको अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। हाँ हाँ, गांव में अच्छे हेल्प करते हैं। ये पांडे जी पानी लेके आए, बस सेवा दे रहे हैं हमारे। मुझे पता था पांडे ही कर पाएंगे भैया। ये गाँव है, पता नहीं कौन सा गाँव है लेकिन एक स्कूल है। कौन सा गाँव पांडे जी, लेकिन एक स्कूल है और सावधान पूरे शाला है, ठीक ठाक ही है। चलवा लगाओ।
जैसे कि आप देख सकते हैं अभी सी दिखना शुरू हो गया है, इसका मतलब हम कुछ ही देरों में पहुंचने वाले हैं। और क्या व्यू है, तब तक आप इस व्यू का मज़ा लीजिए। पूरा पैसा तो इसी का है और इसे कहते हैं पैसा वसूल व्यू। कितना अच्छा लग रहा है, रोड भी काफ़ी अच्छी है, भले ही सिंगल लेन है बट पूरी खाली रोड और काफ़ी अच्छी रोड है, और व्यू अच्छे होने के कारण चलाने में और अच्छा लग रहा है। ये काफ़ी अच्छा रोड है, अभी भी न्यू आई थिंक बना हुआ है, तो इस पर जब से मैं चला रहा हूँ मुझे कोई दिखा नहीं है, और व्यू भी काफ़ी अच्छा है। अभी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर्स बाकी है हमारा डेस्टिनेशन, और जब से मैं चला रहा हूँ कोई मुझे दिख नहीं रहा है इस रोड पे, सिर्फ मैं था और प्रदीप थे। तो अब पता चला है कि प्रभाकर भी गुम हो गया है, मैं और सिर्फ प्रदीप रह गए हैं। मुझे लग रहा है प्रदीप भी एंड में बिछड़ ही जाएगा। कितना अच्छा व्यू है। तो कहाँ हम 5 बाइक्स थे, अभी 5 में से सिर्फ हम 2 बचे हैं। GoPro का बैटरी ख़त्म हो गया था, बट मैं ये सीन छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपने कैमरे से शूट किया, मोबाइल के कैमरे से। और हाँ, प्रदीप भी अब बिछड़ गया, मैं अकेला ही हूँ, तो अब सीधा वहीं मिलेंगे सबसे। तो अभी हम बस पहुँच ही गए हैं मुरुड जंजीरा, आपको वहाँ पे फोर्ट दिख रहा होगा ये वाला, ये तो अभी हम इसी फोर्ट पे जाने वाले हैं, तो जाके देखते हैं वहाँ पे क्या है मसला के बाद, तभी कुछ ही मिनटों में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वीडियो भी देखा ना, साहब है ना, पहुँच गया मुरुड जंजीरा पर, हमारे कुछ हीरो जो है वो अंदर पहुँच गया और हम लोग यहीं पे बैठ गए। वो हीरो नहीं है, आप अपने मन से फिल्म द ब्लैंक भर लीजिए, क्योंकि ये पब्लिक वीडियो है तो उनके बारे में कुछ कहना सही नहीं होगा। मन तो बहुत भरा हुआ है लेकिन फिर भी भावनाओं पे कंट्रोल किए हुए। ऐसे यहाँ पे जाते हैं हम फोर्ट में, हो रहा फोर्ट सामने जैसे आप देख पा रहे हैं, ये है बोट, बोट से हम जाएंगे, हालांकि पैर भी स्लिप कर सकते हैं। आ गए हम लोग फेरी में, पूरा स्वदेश वाला फीलिंग आ रहा है ना। इधर इधर ये स्वदेश। यहाँ पे सब बोट लाइन से खड़ी है, देखते अब हमारा नंबर कब आएगा। फाइनली अपना नंबर आ गया, अभी हम लोग उतर रहे हैं। आराम से चला, तो काफ़ी मुद्दतों के बाद हम फोर्ट में एंटर कर चुके हैं। जो फोर्ट है काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, फोर्ट नहीं है पूरा सिटी है एक, तो देख सकते हैं आप ये पूरा व्यू, पुराना सिटी था और ये आई थिंक पैलेस है शायद से, देखेंगे हम बाद में। ये वो मीठे पानी का तालाब, समुद्र के बीच में होने के बाद भी वो तालाब में जो पानी है वो मीठा आता है। हाँ, अभी भी पी सकते हो उस तालाब का। हाँ, अरे पूरा मार्केट हुआ करता था ये, देख रहे हो ये, और ये वो तो जो 5 मेटल से बना है, स्पेशल मेटल है, इसको टच भी करेंगे धूप में भी रहेगा, फिर भी ये गर्म नहीं रहता, ठंडा ही रहता है। 22 टन का तोप है ये, टॉप 3 में आता है इंडिया में।
विंडो आप देख रहे हैं, सात विंडो में सात अलग अलग कलर के कास्ट थे जिसकी रोशनी इस तालाब पे पड़ती थी और अलग इंद्रधनुष जैसे कलर निकलते थे यहाँ से। एक ही गेट है जहाँ से एंट्री और एग्जिट दोनों होता है। जाने का टाइम हो गया, चलते हैं। जाने के लिए लाइन देखो कितना लंबा है। आ तो गया फटाफट, लेकिन चलो भाई चलो। चलो आगे चलो, चढ़ गए आखिरकार। चलो आ गए फोर्ट घूम के, अभी थोड़ा सा स्नैक्स करके निकलेंगे। बहुत लेट हो गए हैं, बाय बाय फोर्ट।